पे हो। किसी वस्तु को 605 रुपए में बेचने से 10% लाभ होता है, वस्तु को कितने रुपए में बेचेगी 20% का लाभ हो। अच्छा ये बताओ, ये जो 605 रुपए है ये कौन सा मूल्य है? विक्रय। और विक्रय को किसके बराबर रखते हैं? परसेंटेज। ये आपको पता रखा है तो रख दो आप। 47, 605 रुपए ये विक्रय मूल्य है और विक्रय मूल्य को परसेंटेज के बराबर रखते हैं और कितने का लाभ हो रहा है? 10% का। तो 110% के बराबर रखेंगे। ठीक है, बराबर रखने के बाद एक निकालते हैं। ठीक, तो एक कैसे निकालते हैं? इधर होता है उससे दोनों तरफ डिवाइड करते हैं तो 1% बराबर क्या हो जाएगा? 605 बटे 110, ये एक हो गया। एक निकालने के बाद जो आपको निकालना है, अगर किराए निकालना हो तो 100। अब देखो ये पूछ क्या रहा तुमसे है, ये कह रहा है कि वस्तु को कितने रुपए में बेचें, विक्रय ही बोझ रहा है कि जिससे 20% का लाभ हो। तो किराए नहीं, विक्रय ही बोझ रहा हूं, 20% का लाभ। तो 120 निकाल दो। कितना निकाल दो? तो दोनों तरफ 120 से गुणा कर दो। तो इसी लाइन में कर दो, फिर एक लाइन बढ़ेगी बेकार में। तो 120 से दोनों तरफ गुणा कर दो, उधर भी और इधर भी। तो 0 से 0 खत्म, 11 पंजे बचे 5, 11 पंजे 55। अब इनके पास गुणा कर दो आप, 12 पंजे 60 की 0 6, 12 पंजे 60 और 6 66। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 660 आ जाएगा। ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन होता है। ठीक है, जब एक विक्रय मूल्य देके दूसरा बूझता तो विक्रय मूल्य को परसेंटेज के बराबर रख के एक निकाल के लाभ बूझता तो 100 में प्लस करके गुणा कर देते, हानि बूझता तो 100 में माइनस करके। 48, एक वस्तु को 1350 रुपए में बेचने से 25% हानि होती है, तो इस बार हानि हो रही है, वस्तु को कितने रुपए में बेचे कि 10% का लाभ हो। आप अपने कॉन्सेप्ट पे जाओ, आपको ये सिखाया कि विक्रय मूल्य को परसेंटेज के बराबर रखते हैं। विक्रय मूल्य को किसके बराबर रखते हैं? परसेंटेज। तो यहाँ भी विक्रय मूल्य है आपके पास 1350, 1350 और कितने की हानि? 25% की। तो हानि को 100 में से घटा के रखेंगे, तो 100 में से 25 घटा दो तो कितना आ जाएगा? 75। अब क्या करोगे आप? एक निकालोगे। तो एक कैसे निकालते हैं? एक आ गया। उसके बाद ये देखो आपसे पूछा क्या जा रहा है, वस्तु को कितने रुपए में बेचेगी 10% लाभ हो। तो विक्रय पूछ रहा है, वो भी 10% लाभ पे। तो 110 की गुणा कर दो दोनों तरफ। कितने की गुणा कर दो? 110 की। तो यही करना है, ये लीजिए 110 की गुणा कर दी। अब इसे 25 से देख लो आप, कितने से देख लें? 25 से। 25 किया और 25 समझे 125, तो कितने बचे? 10 हो गए। 100, 25 चौका 100 और 3 से ही मतलब 18 12 से कैंसिल हो जाता है, इससे पूरी। अब इनकी गुणा कर दो आप, तो 0 तो ऐसी आ जाएगी और 11 8 88, हासिल 8, 11 और 8 तो 1980 रुपए आपका आंसर आ जाएगा। 48 का 1980। अब 49 पे आओ, एक बाइक को 20,000 रुपए में बेचने से 20% की हानि होती है, तो बाइक को कितने रुपए में बेचे केवल 10% की हानि हो। तो इसमें क्या करना है? पहले आप इसे 80% के बराबर रखोगे, फिर एक निकालोगे, फिर 90% निकालना है। कितना निकालना है? कर लोगे? अरे पहले आप 80 के बराबर रखोगे, फिर एक निकालोगे, बटे में 80 हो जाएगा, फिर वो 10% हानि पे बुझ रहा तो गुणा 90 कर देंगे। कितने से गुणा कर देंगे? 90 से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। ये 50 और 51, अभी और भी क्वेश्चन आएंगे आगे, उनके साथ ही करूंगा, इन्हें एक साथ ही बताएंगे। आगे आ जाओ, 52 पे आ जाओ। यदि 15 वस्तु बेचने पर 12 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है तो लाभ प्रतिशत कितना है? 52वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52। इसने ये कहा यदि 15 वस्तु बेचने पर 12 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है तो लाभ परसेंट कितना होगा? कैसे करोगे इस क्वेश्चन को? क्यों आ रहा, किसी को कोई आइडिया? वो कह रहा कि 15 वस्तु बेच दी तो 12 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है। लाभ कितना हो रहा? जितने की 12 वस्तु थी उतने का लाभ हो रहा है ना। और कितनी वस्तु बेची थी इसने? 15 वस्तु बेची थी। कितनी बेची थी? 15 इसने वस्तु बेची थी। इसका बेस तो ये होता है, देखो इसमें क्वेश्चन में लाभ हो रहा है या हानि? लाभ हो रहा है। तो प्रॉफिट मतलब लाभ बोले तो प्रॉफिट बराबर क्या होता है? एसपी माइनस सीपी। लाभ बराबर विक्रय माइनस क्रय होता है ना।
लाभ बराबर होता है विक्रय माइनस किरय, ठीक है। अब लाभ किसके बराबर हो रहा है वो देख के बताओ कितना लाभ हो रहा है, 12 वस्तुओं के किरय मूल्य के बराबर। तो लाभ जो है वो 12 सीपी है, लाभ क्या है 12 सीपी। अब एसपी माने तो बेचना होता है, तो इसने कितनी वस्तु बेची है 15, तो 15 एसपी, तो 15 ही इसने खरीदी होंगी तभी 15 बेच रहा है, ठीक है। अब सीपी सीपी एक तरफ कर लो और एसपी एसपी एक तरफ कर लो, ठीक है। तो ये सीपी इधर माइनस का इधर आके प्लस हो जाएगा इसमें, तो 5 और 2 7 हो गया हमारा, और 1 और 1 2 तो 27 सीपी बराबर 15 एसपी, 15 क्या हो गया हमारा एसपी। अब आप इसको या तो यहीं पे सोल्व कर लो या अनुपात में ले जाओ। अनुपात में कैसे लेके जाते हैं, जब अनुपात में बराबर वाली संख्या लेके जानी होती है तो बाद वाला पहले लिखते हैं और पहले वाला पहली वाली संख्या बाद में और बाद वाली संख्या पहले लिख देते हैं, ठीक है। अभी इसे पूर्ण अनुपात में लगा दो आप, तो 3 5 15 और 3 9 27 अब नहीं कैंसिल होगा। तो इधर सीपी, और सीपी माने क्या होता है खरीदना, इधर क्या एसपी, और एसपी माने क्या होता है बेचना। तो आप 5 रुपए की वस्तु 9 रुपए में बेच रहे हो, 5 रुपए की वस्तु कितने रुपए में बेच रहे हो आप, 9 रुपए में बेच रहे हो। तो बताओ लाभ हो रहा हानि हो रही है, लाभ हो रहा है कितने का, 4 का लाभ हो रहा है आपको, कितने पे 5 पे, हाँ कितने पे 5 पे, तो 4/5 क्या होता है 80% होता है, तो 80% लाभ इसका आंसर आ जाएगा। अच्छा जिसको याद नहीं है कि 4/5 80% होता है, तो परसेंटेज लाने के लिए यहाँ 100 से गुणा कर लो आप, तो 5 से 120 बार कटेगा और 20 6 कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा, तो 80% लाभ आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। 53 देख लो, 53 यदि किसी दुकानदार ने 15 वस्तुएं बेचने पर 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता हो तो लाभ परसेंट पूछ रहा, तो इसमें भी तो लाभ ही है 15 ही बेटा, ये डेढ़ नहीं है, ठीक है। तो ये नहीं है बेटा, पढ़ो पढ़ो, ये क्वेश्चन नहीं है, 52वां क्वेश्चन नहीं है ये, चेंज है इसमें, पढ़ लो आप। उसमें 12 किरे के बराबर लाभ हो रहा था, इसमें 12 विक्रय के बराबर लाभ हो रहा, आंसर भी अलग आएगा, ठीक है। तो प्रॉफिट बराबर होता क्या है, प्रॉफिट बराबर तो एसपी माइनस सीपी ही होता है ना, और इस बार जो लाभ हो रहा है 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो रहा है, तो 12 एसपी आ जाएगा लाभ की जगह, ठीक है। और इसने कितनी वस्तुएं बेची है, तो 15 ही खरीदी होंगी, 15 ही इसने खरीदी होगी। अब एसपी एसपी एक तरफ कर लो, सीपी सीपी आप एक तरफ कर लो, ठीक है। तो ये एसपी इधर प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो माइनस के ज्यादा, तो माइनस के बचेंगे, जिस चीज के ज्यादा होते हैं उसके बचते हैं, तो माइनस के 3 एसपी बचेगा, माइनस के 3 एसपी, और इधर माइनस के पहले से 15 सीपी, ठीक है। माइनस से माइनस, 3 ही कम 3 और 3 5, अब अनुपात में लगा दो, तो एसपी अनुपात सीपी, ठीक है। तो बाद वाला पहले और पहले वाला बाद में पहुंचा देते हैं, ये शॉर्टकट है। तो सीपी माने खरीदना होता है, 1 रुपए में खरीद के 5 रुपए में बेच रहे हो तो लाभ हो रहा है कितने का, 4, और 4 का लाभ 1 पे हो रहा है, और परसेंटेज लाने के लिए गुणा 100 करते हैं, तो 400% लाभ आपका आंसर आएगा, 400% लाभ, ठीक है। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को करोगे 53 को, है इससे आगे दो 54। 8 वस्तु बेचने पर 2 वस्तुओं के किरय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो ये हानि वाला क्वेश्चन है। ये दोनों कैसे क्वेश्चन थे, लाभ वाले थे। एक ऐसा ही क्वेश्चन यूं आता है, 8 वस्तुओं का विक्रय 2 वस्तुओं के किरय के बराबर है, हा? तो उसमें तो बराबर रख देते हैं ऐसी, उसमें क्या करते हैं ऐसे क्या रख देते हैं, बराबर रख देते हैं, उसमें कोई टेंशन नहीं है। पर इसमें बराबर नहीं है, लाभ या हानि बराबर कह रहा है इसमें, तो इसमें ऐसे आपको करना होगा ये, ठीक। तो 54 पे आ जाओ, 54 इसमें कहा है, इसने 8 वस्तुएं बेचने पर 2 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो लॉस बराबर क्या होता है सीपी माइनस एसपी होता है। अब हानि कितनी हो रही है और किसके बराबर हो रही है ये देख लो, 8 वस्तुएं बेचने पर 2 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो रही है, 2 एसपी के बराबर हानि हो रही है, किरे के तो 2 सीपी के बराबर, 2 वस्तुओं के किरे मूल्य के बराबर इसमें।
आपको हानि हो रही है तो 2 CP आप लिख देंगे, ठीक। अच्छा, कितनी वस्तु बेची या खरीदी इसने, तो 8 ही खरीदी होगी और 8 ही ये बेच रहा है, ठीक है, इन्हें इक्वल मानते हैं। अब वो ये सीपी एक तरफ, एस पी एक तरफ, तो ये प्लस के लगा के माइनस के होंगे और जिस चिन्ह के जाते होते हैं उसी के बचते हैं, तो 2 CP बराबर माइनस के 8 तो बराबर माइनस के 8 SP, ठीक है। तो यहाँ माइनस के जाते हैं तो माइनस की बच जाएंगे, तो माइनस के कितने बच जाएंगे, 6 CP, और उधर माइनस के कितने हैं, 8 SP। यहाँ के माइनस से माइनस, 2 3 6 और 2 4 8। अब अनुपात में लगा लो, इसमें लगा लो अनुपात में, तो बाद वाला पहले और पहले वाला बाद में। तो देखो सीपी माने खरीदना होता है, आप 4 में खरीद के 3 में बेच रहे हो, तो 1 का लॉस हो रहा है आपको 4 पे, तो 1/4 25%, तो 25% हानि इसका आंसर आ जाएगा। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 25% हानि, 1/4 मतलब 25% हानि आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे समझ, तो लाभ वाले भी बता दिए और हानि वाले भी समझा, इसके शॉर्टकट भी होते हैं, उन्हें भूल जाते हैं पेपर तक, क्वेश्चन शॉर्टकट होते हैं पेपर तक भूल जाओगे आप, ये बिल्कुल बेस से आराम से कर सकते हो आप। बचपन पे आओ, यदि 8 वस्तुएं बेचने पर 2 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो तो इसे अब तुम कर लेना। 3 क्वेश्चन करा दिए ऑलरेडी ऐसे ही, ये ऐसा ही क्वेश्चन है, तो इसे आप कर लेना 55 को। अब 56 पे आ जाएंगे आप, अंकित मूल्य वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं। 56 अब अंकित मूल्य वाला ये पहला क्वेश्चन होगा हमारे सामने। तो मैंने रेट तो मैं पहली क्लास में बता दिए थे, क्रय मूल्य होता है, लागत मूल्य होता है, विक्रय मूल्य होता है, अंकित मूल्य। तो अंकित मूल्य कौन सा होता है, जो किसी वस्तु पे लिखा हुआ होता है उस मूल्य को अंकित मूल्य कहते हैं। अच्छा, विक्रय मूल्य को किसके बराबर रखते हैं, परसेंटेज के बराबर रखना आपको बताया और किसी को नहीं। तो इसके लिए भी एक कंडीशन है, अंकित मूल्य के लिए इसके लिए क्या कंडीशन है कि छूट जो होती है, जिसे आप इसमें बट्टा लिखा गया, डिस्काउंट बोलते हैं जिसको, छूट बट्टा या डिस्काउंट कुछ भी बोल लो, वो केवल अंकित मूल्य पे दी जा सकती है और किसी मूल्य पे नहीं दे सकते। छूट बट्टा डिस्काउंट किस मूल्य पे दे सकते हैं, बस अंकित मूल्य पे दे सकते हैं और किसी पे नहीं दे सकते, ठीक है, ये इसकी कंडीशन है, ठीक। तो अब इसने हमको इस क्वेश्चन में कितना अंकित मूल्य दिया है, 800 रुपये अंकित मूल्य दिया है, हाँ। और इसने ये कहा है यदि बट्टे की दर 10% हो तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा, तो इसका 10% निकाल के घटा दो, क्योंकि बट्टा या छूट घटता ही है, बट्टा या छूट क्या होता, घटता ही है, तो इसका 10% 80 होगा, क्योंकि जिसका भी 10% निकालना होता है उसकी लास्ट की 0 हटा देते, तो इसका 10% कितना हो जाएगा, 80। तो 80 आप इसमें से घटा दें तो कितना बचेगा, 720। तो 720 इसका विक्रय मूल्य आ गया। आप गए थे दुकान पे, 800 बताया था उसने, तुम 80 रुपए की छूट दे के बेच दिया आपको 720 में, तो विक्रय आ गया, ठीक है। और एक टाइम में 2 मूल्य होते हैं, किराए और विक्रय। तुम्हारे लिए ये किराए, ग्राहक के लिए क्या है ये किराए, दुकानदार के लिए क्या है ये विक्रय। तो वो क्वेश्चन को पढ़ के पता चलता है कि वो दुकानदार के अकॉर्डिंग है या ग्राहक के, तो ज्यादातर दुकानदार के अकॉर्डिंग ही है ये क्वेश्चन, तो विक्रय बूझ रहा, तो विक्रय यही है। 57 पे आ जाए, एक वस्तु को 20% बट्टे पर 20 रुपए में बेच दिया, हाँ, अरे ये 20 रुपए कौन सा रेट है, पढ़ के बताओ, ऐसे थोड़ी ना विक्रय है ना, अरे बेचना क्या होता है, वो साफ साफ कह रहा है एक वस्तु को 20% बट्टे पर 20 रुपए में बेचा जाता है, साफ साफ तो लिख रहा है बेचा जाता है, तो 20 क्या है, अंकित मूल्य है, विक्रय विक्रय मूल्य, बेचना क्या होता है विक्रय, और विक्रय की कंडीशन क्या है, परसेंटेज के बराबर रखते हैं, विक्रय मूल्य जहां भी मिले पकड़ के परसेंटेज के बराबर रख दो, तो रख दो आप, तो 20% बट्टा, बट्टा माने भी छोटी होता है, मतलब माइनस करना होगा, तो 80% के बराबर रखा जाएगा, इतने परसेंट के बराबर, 80% के 20, और 20 विक्रय इसके परसेंटेज के बराबर रख रहे। अब बराबर रखने के बाद एक निकालते हैं, तो एक कैसे निकालेंगे, 80 से भाग कर दो, तो 80 से पूरा पूरा कैंसिल नहीं हो रहा, जब पूरा कैंसिल हो तो बटे में लिख देते हैं। उसके बाद जो आपको निकालना है, तो आपको क्या निकालना है, अंकित, तो अंकित कितना है इसका, 57 है ना,
तो अंक की 100 पे निकलेगा, कितने पे निकलेगा, तो 100 से गुणा कर दो आप। 100 से क्या करते हैं आप, यहाँ पे गुणा करते हैं, तो 20 चौक और 4 से कितनी बार कटेगा, 25 बार, तो 25 रुपए इसका अंकित मूल्य होगा। इसका अंकित मूल्य कितना होगा? अब सवाल ये उठता है कि तुमने तो ये बताया था अगर विक्रय मूल्य को परसेंटेज के बराबर रखते तो 100 पे किरे निकलता, 100 पे क्या निकलता है, पर ये हम कह रहे हैं ये अंकित मूल्य है, ये क्या है, तो अभी तक तो 100 पे किरे निकल रहा था, तो अब 100 पे किरे क्यों निकला, अंकित क्यों निकला, उसका बात सुन ले आप, उसमें क्या राज है। अगर विक्रय मूल्य को तुमने लाभ परसेंटेज या हानि वाली परसेंटेज के बराबर रखा तो 100 पे किरे निकलता है, और अगर विक्रय मूल्य को तुमने छूट डिस्काउंट या बट्टा, ये तीनों एक ही तो बात है, इस वाली परसेंटेज के बराबर रखा तो 100 पे अंकित निकलता है। इस बात को ध्यान से समझ लेना, बहुत बहुत दिन हो गया बच्चों को पढ़ते पढ़ते, उन्हें ये ना पता कब अंकित निकलना कब किरे, समझ गए। अगर विक्रय मूल्य को छूट परसेंटेज के बराबर रखते तो 100 पे अंकित निकलता है, और अगर विक्रय मूल्य को छूट या वो हानि या लाभ वाली परसेंटेज के बराबर रखते हैं तो 100 पे किरे निकलता है, ठीक है। तो इसलिए मैं इसे अंकित बोल रहा हूं, क्योंकि ये परसेंटेज जो घट के आई थी, हमने कौन सी घटाई थी, छूट वाली। अगर ये हानि वाली परसेंटेज होती तो फिर हम इसको अंकित नहीं बोल सकते, फिर ये किरे कहलाएगा, क्या कहलाएगा, रख लोगे याद। चलो 58 पे आ जाओ। किसी पुस्तक का अंकित मूल्य 450 रुपए है, यदि उस पर 20% और 25% के दो क्रमागत बट्टे दिए जाते हैं तो उसका विक्रय मूल्य कितना होगा। देखो आपको अंकित मूल्य दिया, उसने 58 है ना, अंकित मूल्य कितना दिया है, 450 दिया है, और उस पर दो बट्टे दिए, एक 20% का और एक 25% का है। तो आप इसे ऐसा भी कर सकते हैं, चलो पहले इसका 20% निकालो और घटा दो, तो इसका 10% तो 45 हो जाएगा, तो 20% 90 हो जाएगा, हाँ, तो 90 घटा दो, कितना घटा दो, 90 घटा दो, तो 0, तो 15 में से हो गया तो 360 है, पर एक बट्टा और मिला है अभी तुम्हें, वो कितने परसेंट का है, 10 का, 25% का, तो दूसरा बट्टा 25% का है, और जिसका भी 25% निकालना होता उसे 4 से भाग कर दो, 25% आ जाता, तो 4 नहीं तो इसका 25% 90 है, इसका 25% कितना है, तो आप इसमें से ना 90 घटा लें, कितना घटा लें, तो 0, और 16 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 7, कितना बचेगा, तो 270 बच गया। तो पहली छूट भी 90 थी, दूसरी छूट भी 90 थी, हालांकि ये 20% थी और ये 25% थी, तो फाइनली ये रिजल्ट आपका आ जाएगा। एक तरीका और हो सकता है इस क्वेश्चन का, अगर तुम करना चाहो, मतलब बात वही होगी वैसे, 450 आपका अंकित है, पहली छूट कितने परसेंट थी, 20, तो 20 घटा दो 100 में से, छूट घटती है 80%, और दूसरी छूट कितनी थी, तो 25 और घटा दो 100 में से, तो 75/100, ऐसे भी आप इसको सोल्व कर सकते हो, ठीक है। 100 तो हमने ही ऐसे खत्म कर लिया, 25 दिया 75, 25 चौका 100, ठीक है, और 4 दुनी 8, बस अब इनकी गुणा कर दो, 3 दुनी 6 की और 45 की गुणा कर दो आप, 6 की और 45 की, 6 बजे 30 की 0, और 6 चौक 24 और 3 27, एक तरीका ये भी है, अब तुम्हें जो सही लगे देख लेना, ठीक है, नोट करो। कहां तक पहुंचे, 58 पे, या 58 हो गया, हो गया ना, 59 पे आ जाओ। एक वस्तु का अंकित मूल्य 1200 रुपए है, यदि उसका विक्रय मूल्य 1020 रुपए हो तो बट्टे की दर कितनी है, बट्टा माने क्या होता है, छूट, तो ये तुमसे छूट पूछ रहा है, ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से देख लेना भाई, बिल्कुल सिंपल। हाँ, छूट परसेंट कैसे निकालते हैं, देखो अंकित मूल्य कितना था, 1200 रुपए था, और तुम्हें कितने में बेच दिया गया, 1020 में बेच दिया, हाँ, तो तुमसे कितने रेट बताए थे, और तुमने कितने में खरीदी, तो तुमने कितने रुपए छुटा लिए, 180 रुपए छुटा लिए, तो यही तो छूट है, इसे ही बट्टा लेते हैं, तो छूट परसेंट बुझ रहा, पर वो छूट नहीं बुझ रहा, तो छूट परसेंट कैसे निकालते, छूट बटे इस पे छूट, तो ये 180 रुपए की छूट तुम्हें इस पे मिली है या इस पे, 1200, तुम्हें तो 1200 ही बताए थे ना, तो बटे में वही आएगा,
छूट परसेंट कैसे निकालते हैं, या बट्टा परसेंट या डिस्काउंट परसेंट, छूट बटे जिस पे छूट। तो ये 108 रुपए की छूट 1200 पे मिलेगी। और परसेंटेज लाने के लिए क्या करते हैं, गुणा 100 करते हैं। क्या करते हैं, गुणा 100 करते हैं, ठीक है। तो दो जीरो आपकी खत्म हुई, इससे कितनी बार कटेगा, 15। अरे कितनी बार, 15 बार ही कटेगा ना, 15 दूनी 30, 3 15 3 18, ठीक है। चलो, और ये जो छूट परसेंट जो बोझता है ना, एक छूट देके दूसरी बोझे या छोटी बोझे, 8% और 15% आंसर आते हैं इनके, 90% इन क्वेश्चनों के, जिसमें एक छूट देके दूसरी छूट बोझे या छूट, तो उसका आंसर क्या आता है, या तो 15% आएगा या 8% आएगा, ज्यादातर यही होता है। तो जब कैलकुलेशन कर रहे हो तो 15 या 8 से काट के देख ले करो, जब छूट परसेंट बोझे, ठीक। इससे आ गया जो 60 पे, 60 में क्या है, एक वस्तु का अंकित मूल्य इतना, देखो 60 का क्वेश्चन अच्छा है, अंकित मूल्य कितना है, 3000। वस्तु पर 20% और 1% के दो क्रमागत बट्टे दिए गए। पहला बट्टा कितने परसेंट का दिया गया था, 20% का, फिर एक बट्टा और दिया गया 1% का, ठीक है। यदि उसका विक्रय मूल्य 2208 रुपए हो तो ए का मान क्या होगा। देखो आप अपने ऊपर ले रहे हो उस क्वेश्चन को, आप गए कहीं कुछ खरीदने, तो जिस वस्तु को भी तुम खरीदने गए वो 3000 रुपए की बताई, तुमने कहा छूट दोगे, कुछ छूट वोट, उसने कहा 20% की छूट मिलेगी तुम्हें, हा? तो इसका 20% निकाल के घटा दो इसमें से, तो इसका 10% तो 300 हो गया, तो 20% 300 का डबल हो जाएगा 600, तो 600 रुपए घटा दिए गए। कितने रुपए घटा दिए गए, 600 रुपए, तो कितने बचे, 2400। तुमने अब भी ना खरीदी वो, हाँ उठ के चल दिया, उन्हें फिर बैठा है खरीद ले लो, तो और छूट दो, हाँ तो उसने और कुछ छूट दी, और फाइनली तुमने कितने में खरीद ली वो, 2208 रुपए में। पहले उसने इतने रेट बताए थे, तुमने उस पे छूट ली, तो उसने तुम्हें 20% की छूट दी, जो कितनी बैठी, 600 रुपए, तो वो इतने में बेच रहा था, तुमने अब भी ना खरीदी वो, तुमने कितने में खरीदी, तो कितने रुपए और तोड़ाए तुमने, 10 में से 8 गया 2, और यहाँ कितना बचा आपका 9, 192 रुपए तुमने और तोड़ा दिए अभी। तो वो यही करा कि दूसरा वाली जो छूट है या दूसरा वाला बट्टा बताओ कितना, तो ये दूसरी वाली छोटी बोझ रहा ना, तो दूसरी वाली छूट कितनी, 192, पर वो तो परसेंटेज में बोझ रहा ना, तो ये जो छूट मिली है आपको, इस पे मिली है, इस पे मिली है, इस पे मिली है, इस पे मिली, किस पे मिली है, तो जिस पे मिलती है उसे रखते हैं बट्टे में, जब छूट परसेंट निकालते हैं, ठीक है। तो बट्टे में क्या आएगा, 2400, बट्टे में कितना आएगा, और परसेंटेज लाने के लिए क्या करते हैं, 100 से गुणा करते हैं, तो 0। अब देख लो, 8 से देख लो एक बार, हाँ 8 6 32 3 और 8 2 16 3, या तो 8 या 15% सबसे ज्यादा आंसर आती है, छोट परसेंट है, तो 8% आपका आंसर आ जाएगा, कितने परसेंट, 8% जो बट्टा बोझ रहा था वो दूसरा वाला, एक कमांड आगे समझ, ये वाला क्वेश्चन, जब एक छूट दे रखी हो तो दूसरी कैसे निकालते हैं, ठीक है। इससे आगे आ जाओ, एक दुकानदार अपनी वस्तु का मूल्य 30% बढ़ाकर लिखता था, तब 20% बट्टा देता तो उसे कितने परसेंट का लाभ होगा। देखो 61 देखो, इसमें क्या कहा गया है, एक दुकानदार अपनी वस्तु का मूल्य 30% बढ़ाकर लिखता, जितने की भी थी, सपोज करो वो वस्तु 100 रुपए की थी, और इस तुमने कितने बढ़ा के लिखे, 30%, तो 100 का तो जितने परसेंट निकालते हो उतने, तो 100 का 30% 30 रुपए और बढ़ा दिए तुमने, और तुमने कितने लिखते उस पे, 130, पर अब वो बिकने को रख दी तुमने, है? पर तुम तो 100 में लाए थे उसे, और तुमने कितने लिख दी उस पे, 130, और बिकने को रख दी। कोई ग्राहक आया खरीदने, तो ग्राहक को तुमने इतने ही बताया होंगे, उसने कहा छूट नो, हाँ छूट दे देंगे 20% की, तो इसका 20% कितना हो जाएगा, 26, क्योंकि 10% 13, जिसका भी 10% निकालना, लास्ट की 0 हटा देते, तो इसका 10% तो 13 है, तो 20% 13 दूनी 26 रुपए की तुमने उसे छूट दे दी। अब भी तुमने कितने में बेच दी उसको, 100, और तुम लाए कितने में थे, अब भी तुमने उसे 104 में बेच दी, छूट दे के भी, तो अब भी तो तुम्हें लाभ ही हो रहा है, कितने रुपए का, 4 रुपए का, हाँ। तो लाभ परसेंट किस पे निकलता, लागत या किराए पे, तो बटे में तो 100 ही आएगा, और परसेंटेज लाने के लिए गुणा 100, तो 100 से 100 कट जाएगा, तो 4% लाभ, ठीक है। अरे आया समझ, 61, 4% लाभ हो जाएगा।
सिक्सटी टू पे आ जाएंगे आप, सिक्सटी टू। मेज का अंकित मूल्य 2400 रुपए है, अंकित मूल्य है, वह 25% बट्टे पर बेची जाती है, फिर भी 20% लाभ हो जाता तो मेज का क्रय मूल्य क्या है? देखो अंकित मूल्य दिया ना उसने आपको, लिख लो कितना है। तो कोई मेज है आप खरीदने गए तो उस पर 2400 रुपए लिख रहे थे, कितने रुपए लिख रहे थे? पर तुमने वो 25% बट्टे पर खरीदी, तुम्हें कितने परसेंट बट्टे पर बेची? 25%। तो जिसका भी 25% निकालना हो चार से भाग कर दो, तो चार छिक तो 600 आ जाएगा इसका 25%, तो 600 आप इसमें से माइनस कर दो, 600 क्या ना कर दो इसमें से आप माइनस, तो 0 0 14 में से 6 क्या हाँ, तो कितना बचेगा? 1800। तो उसने आपको कितने रुपए में बेच दी? 1800 रुपए में बेच दी, क्योंकि उसने 25% की छूट दी थी आपको और बताया कितने थे 2400, और 600 रुपए काट कर तुमने 1800 रुपए में बेच दी। तो अब ये कौन सा मूल्य है? विक्रय मूल्य। और विक्रय मूल्य को किसके बराबर रखते हैं? तो परसेंटेज के बराबर रख दो, जो परसेंटेज बच रही है। अब बताओ कौन सी परसेंटेज बचेगी आपके क्वेश्चन में? 20% लाभ। तो लाभ को तो 100 में जोड़ के लिखते ना, लाभ को 100 में जोड़ के लिखते और हानि को 100 में से घटा के लिखते हैं, लाभ को 100 में जोड़कर हानि को 100 में से घटा के लिखते हैं। तो बस अब एक निकाल के 100 निकाल दो। आपसे क्या पूछ रहा था वो, आपसे क्या पूछा उसने? किरय। और मैंने आपको बताया अगर विक्रय मूल्य को लाभ या हानि वाली परसेंटेज के बराबर रखते तो 100 पे किरय निकलता और हमें किरय चाहिए, तो ये लाभ वाली परसेंटेज है तो किरय निकलेगा। तो एक निकाल के 100 निकाल दो आप, तो ये तो हो गया एक और ये हो गया 100। बस इससे कितनी बार? 150 बार कटेगा ये, 180 बार से 150 बार कट जाता है, ठीक है? तो कितनी बार कट जाएगा ये? 150। और इसकी इसमें गुणा हो जाएगी 1500 हो जाएगा, ऑप्शन होगा चेक करो 62, ठीक है 1500 रुपए इसका आंसर आ जाएगा। ठीक, इससे आगे आ जाए 63 पे। एक दुकानदार अपनी वस्तु पर 15% बट्टा देता है, बट्टा बोले तो छूट देता है, फिर भी उसे 19% का लाभ हो जाता है, तो उस वस्तु का मूल्य कितने प्रतिशत बढ़ाकर अंकित करता है? ये बोल रहा कि कितने रुपए बढ़ाकर अंकित करता है। अब ये क्वेश्चन कैसे होगा? अब जैसे इस क्वेश्चन में अंकित मूल्य दे दिया था, इस वाले में तो नहीं दिया, तो इस वाले में मानना पड़ेगा आपको 63। आप 100 मान लो, और अगर क्वेश्चन में अंकित भी हो और किरय भी हो, मतलब अंकित को भी मानना हो और किरय को भी, क्योंकि अंकित भी नहीं पता ना, तो अंकित फिर किरय से करना चाहिए क्वेश्चन, किससे करना चाहिए? तो आप इसका किरय मूल्य 100 मान लो। अब मुझे सोच के ये बताओ, ये हमने किरय मूल्य माना तो इस पे छूट दी जाएगी या लाभ या हानि? लाभ या हानि दी जाएगी, छूट नहीं दी जा सकती ना। तो तुम्हारे पास लाभ है या हानि है इस क्वेश्चन में? लाभ है या हानि है? कितना लाभ है? 19% का लाभ है, तो 100 का 19% तो 19 ही होगा, तो लाभ लेके कितने में बेच दिए? 119 में बेच दी। तो अब ये तो विक्रय मूल्य है, और विक्रय मूल्य को किसके बराबर रखते हैं? अब जो परसेंटेज बच गया उसके बराबर रख दो। कौन सी परसेंटेज बच गई आपके पास? बट्टे वाली बच रही है ना, और कितने परसेंट का बट्टा? 15। तो बट्टे को तो घटाते 100 में से 15 घटा दो, 85 के बराबर रख दो। कितने के बराबर रख दिया? 85 के। अब एक निकाल के 100 निकालो। अब बताओ यहां से 100 पे क्या निकलेगा, किरय या अंकित? अंकित निकलेगा, क्योंकि ये परसेंटेज छोट वाली है, और अगर विक्रय मूल्य को छोट वाली परसेंटेज के बराबर रखते हैं तो 100 पे अंकित निकलता है। 100 पे क्या निकलता है? अंकित निकलता है। बस सोल्व कर लो आप इसको 17 से, ये 5 बार और 17 से ये कितनी बार? 7 बार। 17 सत्ते 100 और 5 से ये 20 बार, तो 20 सत्ते 140, तो इसका अंकित मूल्य 140 आ गया, और लागत कितनी थी? 100, तो कितना ज्यादा लिखा? 40। अब वो तो ये कह रहा कितने अधिक परसेंट लिखा, तो अधिक परसेंट में बटे में कौन आता है, छोटा या बड़ा? तो इन दोनों में छोटा तो 100 ही है, तो बटे में 100 और परसेंटेज लाने के लिए गुणा 100 तो कट जाएगा, तो 40% बढ़ाकर लिखा है। कितने परसेंट बढ़ाकर लिखा है? 40%। आगे क्वेश्चन समझ, 63 हो गया आपका ये।
64 पे आ जाओ। देखो समतुल्य बट्टा निकालना सिखाते हैं आपको, इसका फॉर्मूला भी होता है पर वो दो बट्टों के लिए होता है, एक तीन का भी होता है उसके लिए होता है, पर जो तरीका आपको बता रहे हैं उससे दो हो तीन हो चार हो सब निकल जाता। ध्यान से देखो 64 दो तरीके बताएंगे आपको इसके, एक बड़ा एक छोटा, 30% और 20% के समतुल्य एक बट्टा होता है, इन दोनों के समान एक बट्टा। तो देखो कैसे निकालते हैं, एक तरीका तो ये है आप मानो यहां 100, क्या मानो, और 100 का 30% तो 30 ही होगा, बट्टा तो घटता ही, तो घटा दो कितना बचा 70, फिर दूसरा क्या 20, तो 70 का 20% 14 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 14, तो 14 आप इसमें से घटा दो तो 10 में से 4 गया तो 6 और 6 में से 1 गया तो 5 तो 56, तो कहां से चले थे 100 पे, कहां पहुंच गए 56 पे, तो कितना कम हुआ 44, कितना कम हुआ, तो ये कमी परसेंट निकलेगा, और कमी परसेंट में बटे में कौन आता है बड़ा वाला, तो इन दोनों में बड़ा कौन है 100 बटे 100 गुणा 100, तो 44% आ गए इनके समतुल्य बट्टा। एक तरीका तो ये है, अब दूसरा तरीका क्या है इसका, दूसरा तरीका देखो आप, 30 और 20 के समतुल्य एक बट्टा निकालना था, तो कितने ही बट्टे हो जब समतुल्य निकालना हो सबको लिख लो, उनमें जो सबसे कठिन लगे सबसे पहले उसी लिख दो, तो इनमें तो कठिन कोई सा नहीं है, 10, 20, 30, 40, 50% तो यूं ही निकाल देते, 10 निकाल के कोई नहीं 30 ले लेते, तो यहां लिखो सबसे पहले आप 30 लिख दिया, फिर यहां प्लस का निशान लगाओ और जितना आपने यहां लिखा उसे 100 में से घटा दो, तो 100 में से 30 घटाओ, अब 70 का ये वाला परसेंटेज निकाल दो, तो 70 का 20% 14, अब जिसको ना आता हो निकालना, अब वो तो दिक्कत हो जाएगी ना, उसको आना चाहिए निकालना, क्योंकि 10% कितना हो जाएगा 7, 70 का तो 20% 14 हो जाएगा, तो 14 और छोड़ दो, बस एक तरीका ये, ठीक है। अब तो मैं इस तरीके से करने सारे समतुल्य बट्टे निकालने के, एक तीन वाला और बता दें, देखो इसमें होगा जरूर 65 है ना, 65 पे कर दो 25% और 20% और 5% के समतुल्य बट्टा पूछ रहा है, के समतुल्य क्या पूछ रहा है बट्टा, तो 25 लिख ले सबसे पहले, अब ध्यान से देखना, देखो हमने लिखा 25 और जो यहां लिखा उसे 100 में से घटाओ तो 75 बचा, अब 75 का 20% 15 होगा, क्योंकि 75 का 10% होगा 7.5, हमने कहा जिसका 10% निकालते लास्ट की जीरो हटाते और जिसमें जीरो ना हो एक स्थान में पॉइंट लगा देते जब 10% निकालते, तो 75 का 10% क्या हो जाएगा 7.5, तो 20% 7.5 का डबल, तो 7.5 का डबल होगा 15, तो ये जो 15 निकाला हमने किसका निकाला 75 का निकाला ना, तो 75 में से इसे घटाओ तो 60 का ये निकाल दो 5%, तो 60 का 5% 3, क्योंकि 60 का 10% 6 आएगा, तो 5% 3, 5% कितना जाएगा 3, जोड़ दो कितना है तो 43% आपका आंसर हो जाएगा। एक बार दोबारा से देखो जो आप यहां लिखते हो लिख दो और उसे 100 में से घटाओ, तो 100 में से 25 घटाओ, अब 75 का ये निकाल दो, तो 75 का 20% 15, अब जिसका ये 15 आया है उसमें से ये घटाना होता है, तो ये 75 का आया था 15, तो 75 में से 15 घटाओ तो 60, अब 60 का 5% 3, अगर एक बट्टा और होता तो फिर 60 में से 3 घटाते, अब फिर उसका अगला परसेंटेज निकालते, ठीक है, अब जोड़ते चले जाते हैं, ऐसे हो जाता है 66 आप कर ही लेंगे फिर, इसका मतलब दो समतुल्य बट्टों वाला, जब तीन वाला कर लिया तो दो वाला तो कोई दिक्कत होनी ना होगी, है ना, तो 66 तो आपको ही करना है। 67 पे आ जाएंगे आप लोग, एक दुकानदार अपनी वस्तु का मूल्य 60% बढ़ाकर लिखता तथा 25% और 10% के दो क्रमागत बट्टे देता तो उसे कितने प्रतिशत लाभ होगा। देखो कोई दुकानदार है उसकी कोई वस्तु 100 रुपए की है, कितने रुपए की है 100 रुपए की है, और उसने उसका मूल्य 60% बढ़ाकर लिखा, कितने परसेंट बढ़ाकर लिखा, तो 100 का 60% तो 60 ही होगा ना, तो उसने उस पे 160 लिख दिया, कितना लिख दिया 160 लिख दिया, ठीक,
और 25% और 10% के दो बट्टे दिए। 100 की वस्तु पे 160 लिख के बेचने के लिए रख दी। कस्टमर आया, उसको पहली छूट कितने परसेंट की थी? 25 की। अब जिसका भी 25% निकालना होता है, 4 से भाग करते हैं, तो इसका 25% 40 हो जाएगा। 4 चौक 100 नहीं, तो 40 हुआ, तो 40 आप इसमें से माइनस कर दें तो कितना बचा? अब इसका दूसरा पर बट्टा देखो कितने परसेंट है, 10%, तो इसका 10% 12 घटा दो, कितना घटा दो? 12 आप इसमें से माइनस कर दो, 108। तो 100 की वस्तु कितने में बिक रही है अब भी? तो उसे कितने रुपए का लाभ हो रहा अब भी? 8 का। कितने पे? 100 पे, बटे 100 गुना 100, तो 8% का लाभ हो रहा उसको अभी भी, दो छोट देने के बाद। ठीक है, उसने रेट ही पहले इतने बढ़ा के लिख रखे थे उसके। 68 पे आ रहे हैं। एक दुकानदार अपनी वस्तु का मूल्य 50% बढ़ाकर लिखता है, इसके जैसा ही तो है। अरे कर लोगे, 50 की जगह 150 लिख दिया। चलो एक और देख लो, 68। सपोज करो वस्तु 100 रुपए की थी और उसने 50% बढ़ाकर लिखा, तो 100 का 50% तो 50 ही होगा, तो क्या लिख दिया उस पे? 150 लिख दिया। कितना लिख दिया? 150 लिख दिया। तथा 20 और 30 के दो क्रमागत बट्टे दिए, तो इसका 20% कितना होगा? 30, क्योंकि 10% 15, तो 20% 15 का डबल हो जाएगा, तो 30 कितना? 30, तो 0, 5 में से 3 गया 2, 120। अब दूसरा बट्टा कितने परसेंट का? 30% का, तो इसका 10% 12, तो 30% 12 का तिगना हो जाएगा 36, कितना? तो 36 और घटा दो बस, 84। चलो ये तो हानि होगी फिर इस बार, तो कितने की वस्तु थी? 100 की। कितने में बिकी? 84 में। तो ये तो हानि होगी कितने की? 16 की। किस पे? 100 पे, बटे 100 गुणा 100, तो 16% हानि आंसर आ जाएगा। है ऑप्शन, ठीक है, इस तरह हो जाएगा ये क्वेश्चन। इससे आगे आ जाएं आप, 69 पे आ जाएं। एक दुकानदार अपने ग्राहक को 40% बट्टा देता है, जबकि दूसरा दुकानदार 30% और 10% के दो क्रमागत बट्टे देता है, तो ग्राहक के लिए कौन सा सौदा लाभदायक है? देखो इसे आप प्रैक्टिकली समझे कैसे। 69 है ना, देखो ये दुकान ए, कौन सी दुकान है? ए। और यहां कितने परसेंट की छूट मिलती है? 40%। ये दुकान बी है, यहाँ कितने की छूट मिलती है? 30 की, और ग्राहक ना माने तो फिर 10 की, और फिर 10 की। और तो ये कह रहा है किताब वाला कि ग्राहक वाले के, ग्राहक को ये सौदा फायदेमंद है या ये फायदेमंद है? देखो ये दुकानदार तो ऐसा, तुम गए इसकी दुकान पे कि वस्तु तुमने कोई बूझी, उसने रेट बताया, तुमने कहा छोटी छूट है नो, हाँ नो 40% है, कितने परसेंट है? तुमने एक बार और कहा कुछ और देख लो, बोला लेनी हो लो ना लेनी हो मत लो, 40% की छूट है बस, हाँ या ना? हाँ, तो बुरा तो लगता ही है ना ऐसे। आप निकल के दूसरी में पहुंच गए, है ना, उससे पूछा कितने की है, मुझे 30% की छूट देंगे, कितने की? बोला वो तो 40 की दे रहा, ना तो 10 की और दे देंगे, बताओ खुश? नो हाँ ठीक है तो कर दो। अब बताओ इसको ज्यादा मेहनत करनी पड़ी या इसको? बी को। अब मेहनत का फल तो मिलता ही है, मेहनत का फल मिलता है। अब कोई तो वजह होगी जो इतनी देर बात कर रहा है वो, है ना, देखो उसका फल तुम्हारे सामने है। सपोज करो वस्तु 100 की थी, कितने की थी? और तुम्हें इस वाले दुकानदार ने 40% छूट का ऑफर दिया बस, तो 100 का 40% तो 40 है, तो तुम्हें कितने में बेच देगा? तो तुम्हें इसकी दुकान से कितने में खरीदनी पड़ेगी? जिसने यूं कहा कि लेने हो तो ले वरना जाओ, तुम उस पे गए 100 की, और 100 का 30% तो 30 ही है, 70। तुमने कहा वो तो 40% छूट दे रहा, बोला तो 10 की और ले लो छूट, तो 70 का 10% 7 रुपए और घटा दो, कितने की? 63 की। इसने 63 की लपेट दिया आपको, अब खुश? हाँ, यू कह रहे हो ए वाले में मत जाना, तो बहुत तमीज है, यू कह ले नहीं हो तुम लोग वरना जाओ, हाँ क्यों भाई? तो अब देख लो तुम्हारे सामने। और इसी क्वेश्चन में अगर यूं कहे कि दुकानदार के लिए कौन सा लाभदायक हो, तो जिसमें मेहनत कर रहा है, जाते जाते अजी फिर आ जाओ, जो भी कर रहे हैं ना वो समझ लो, वो कर देगा दिक्कत तुम्हें। ये वाले सही होते हैं,
हाँ, तो ग्राहक के लिए तो ये फायदेमंद है और दुकानदार के लिए वो फायदेमंद है, वो क्वेश्चन देख लेना कौन सा पूछ रहा है, तो ये तो ग्राहक वाला है तो ग्राहक के लिए यही फायदेमंद है। ठीक है, तो ऐसे ही ध्यान रखना, इसको तुम्हारे सामने करके दिखाया मैंने, क्यों भाई तो कर लेना, चलो ना लिख ही दिया तो बीस का ये दूसरा वाला पहला वाला आंसर हो जाएगा, कौन सा आंसर हो जाएगा पहला वाला, 70 पे आ जाओ। एक दुकानदार अपनी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है, यदि वह वस्तु को 36 रुपए अधिक में बेचता, अधिक में, तो उसे 35% लाभ होता वस्तु का। क्या क्या मैथ में कहीं भी अधिक लिखा जाए या कम, समझ लो वो अंतर है, तो इसने रुपयों में अंतर दिया 36, तो ये क्वेश्चन होगा परसेंटेज में अंतर बराबर रुपयों में अंतर, तो पहली परसेंटेज कितनी है इसमें 20% और दूसरी परसेंटेज कितनी है 35% का लाभ, तो अंतर कितना हो जाएगा, परसेंटेज में अंतर हो जाएगा 15% का, कितने परसेंट का 15% का, और रुपयों में कितने का अंतर, उसने दिया 36 का, कितने रुपए अधिक कहा था उसने, 36 रुपए अधिक कहा था। अब आपसे किराया पहुंच रहा है, तो किराया तो परसेंटेज में 100 पे निकलता है, तो आपको एक निकाल के 100 निकालना है, तो ये तो हो गया आपका एक, ये क्या हो गया आपका एक, और ये हो गया आपका 100, क्या हो गया 100, बस 100 कर लो आप, 5 दिया और 5 से ये 20 बार, 3 × 3 और 3 × 6 बस 12 × 2 240 रुपए किराया आ गया, 240 क्या आ गया किराया। ठीक है, चलो नोट करो।